ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। I'm
सबसे पहले मैं इस 75वें गणतंत्र दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूं। हम सभी एक गर्व और उल्लास की भावना को महसूस कर रहे हैं और आप आज यहां पर हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे इन लड़कियों ने परफॉर्म किया और यहाँ पर भी अलग अलग स्पीचेस के माध्यम से उनके विचारों को भी आप सुनेंगे। और इसी समय दिल्ली में जो गणतंत्र दिन की पूरी परेड चल रही है उसमें कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा और लगभग सभी परफॉर्मेंस ये हमारे होनहार लड़कियों के माध्यम से परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके लिए उन सभी को मैं आप सभी के माध्यम से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी में से सभी लड़कियों का मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आज हम सब लोग पूरे हमारे 75 साल हमारे प्रजासत्ताक के गणतंत्र दिन के पूरे अगर हम लोग देखें तो 77-78 साल देश के स्वतंत्रता के हम देख पाएंगे तो इस देश ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ करके दिखाया है। और आज हम गौरवशाली है कि देश का विकास इस तेज़ी से हो रहा है कि हम अब हमको 75 साल का ब्यौरा लें तो बहुत समय जाएगा, पर एक साल का ब्यौरा भी लें तो भी बहुत कुछ इस देश ने पिछले एक साल में करके दिखाया। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा देश चंद्रमा पर और पहुंचने वाला तीसरा देश और चंद्रमा की दक्षिण वाली सतह पर पहुंचने वाला पहला देश बना और उसका हम सभी को बहुत बहुत यहाँ पर गर्व होगा, अभिमान होगा। हमने देखा कि हमारे देश ने जहाँ पर कदम रखा चंद्रमा पर उसको शिव शक्ति पॉइंट ये नाम दिया और हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। परसों यानी सोमवार के दिन जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई तो पूरे दुनिया ने उस हमारे गौरवशाली क्षण को यहाँ पर सराहा है। और ये तो हुआ हमारे देश का धार्मिक सांस्कृतिक अधिष्ठान, पर उसी के साथ साथ ये देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये भी हम सभी के लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है। पिछले साल भर में ही ओलंपिक गेम्स हुए, उस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने 7 मेडल एक अकेले ओलंपिक में हासिल किए जो इसके पहले के ओलंपिक्स में कुल मिलाकर हमने हासिल किए थे। हमने राष्ट्रकुल गेम्स हुए, इसके पहले गेम्स होते थे तो उसके हमारे देश में दुर्भाग्यवश करप्शन की चर्चा हुई थी। अब ये राष्ट्रकुल गेम्स हुए तो 107 से भी ज़्यादा मेडल्स हमारे देश ने उस राष्ट्रकुल गेम्स में हासिल किए। इसका सीधा नतीजा ये है कि अब स्पोर्ट्स फील्ड, साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड या कोई भी फील्ड ऐसा हमारे लिए अछूता नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये देश मजबूती के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये पनवेल का क्षेत्र है, इस पनवेल के क्षेत्र में भी अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को पनवेल में आए और पनवेल में आकर
उन्होंने मुंबई से पनवेल को जोड़ने वाला अटल सेतु इसका इनॉग्रेशन किया। इसका दूसरा अर्थ ये होगा कि मुंबई से पनवेल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अब सीधे जुड़ चुका है, तो जो डेवलपमेंट का सेंटर मुंबई को माना जाता है अब वो एक्सपांड हो रहा है और पनवेल और इस क्षेत्र में भी उसी तेजी से आने वाले समय में ग्रोथ होगी। ये कार्यक्रम जिस भूमि में हुआ वो कार्यक्रम की भूमि थी लोकनेत्र दीबा पाटिल जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस साल के अंत पर अंत तक पूरी तरीके से तैयार होगा। अब हमारे इस एरिया के डेवलपमेंट की उड़ान इंटरनेशनल स्काई में होगी और इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेसेस आ सकते हैं, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है वो हमारे क्षेत्र में आएंगी। और ये मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आज यहाँ पर मुझे लगता है कि देश के हर राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं और महाराष्ट्र के हर जिले से लोग आकर कामोटा के क्षेत्र में बसे हैं। तो आपके हर हिस्से में राज्य के और देश के हर राज्य में इसी तरीके से डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है। तो जो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ा कि जिसमें लिखा था जस्टिस फॉर ऑल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका अनुभव सही मायने में अब देश जब अपना 75वां गणतंत्र दिन मना रहा है उस वक्त हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स वो मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा पसीना बहाते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपना खून जला कर भी वो अपने जो गोल सेट किया है उसे पूरा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस देश को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर इस देश में असंभवनीय क्षमताएं हैं कि जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती। तो ऐसे में हम अपनी ओर से इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश हो सकती है वो पूरी ताकत से करें। और इसमें स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स पूरी तरीके से आपको आपके बच्चों के ग्रोथ में मदद करते रहेंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए हम पूरी तरीके से एक साथ मिलकर कोशिश करते रहें। तो आने वाले समय में जिन संभावनाएं यहाँ पर उनकी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हमेशा तैयार रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सभी को फिर एक बार ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि एक और एक कार्यक्रम के लिए आगे जाना है, इसके लिए स्कूल के कार्यक्रम के बीच में ही मैंने अपनी बात को रखने का यहाँ पर निर्णय लिया। पर आप सभी ने मिलकर स्कूल का और स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों का भवितव्य उज्जवल बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं मैं उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और इन बच्चों के भवितव्य में रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल, रामशेठ ठाकुर इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके साथ में हरदम बना रहेगा, इसके लिए हम सभी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं। आपको फिर एक बार इस गणतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।